गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, रफ नोटबुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथमेटिक्स में कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे थे, एक न्यूनेना पूर्वेना वाला पढ़ रहे थे, जिसमें से हमें क्या करना था, एक का अधिक है ना, एक न्यूनेना पूर्वेना नहीं, हम एकाधिक है ना पूर्वेना पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का 8th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अब देखो यहां पे क्या है, देखो पहले लिखेंगे हम स्टेप्स, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। मैं क्या लिखूंगा, पहला क्या मैं जीरो में से फोर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, ठीक है, फोर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, सो वी एड so we add complementary digit so we add complementary digit of complementary digit of 4 cannot be subtracted from 0 so we add complementary digit of 4। इसलिए मैं किसका कॉम्प्लीमेंट्री लूंगा, 4 का। क्या है, इज सिक्स, क्या है, 6 है, ठीक है, किसमें ऐड करूंगा, 2 जीरो, ठीक है। तो देखो अब मैं सेकेंड स्टेप में ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जब फोर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था जीरो में से, तो मैंने क्या लिया, फोर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फोर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सिक्स, फोर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सिक्स। अब वो ऊपर वाले नंबर में प्लस कर रहा हूं तो क्या आएगा, सिक्स ही आएगा, ठीक है। फोर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिक्स होता है, कैसे पता चला, दोनों का सम टेन आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या लगा रहा हूं, पुट एकाधिक है ना पूर्वेना मार्क्स ऑन, तो क्या लिखेंगे, पुट एकाधिक है ना मार्क ऑन 5, जब 5 पे एकाधिक है ना, तो 5 की वैल्यू बताओ, जब 5 के एकाधिक है ना, तो 5 क्या बन जाएगा, 6, ठीक है, 6 बन जाएगा। तो वापस आपको लिखना पड़ेगा फोर्थ स्टेप में, अगेन का मतलब दोबारा, एक बार कर दिया था, अगेन 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड अगेन 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अगेन 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 सो वी एड complementary digit of 6 is 6 का complementary क्या है,
4, 2, 0, ठीक है। तो मैंने क्या लिया भाई, मतलब ये 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था 0 में से, तो मैंने 6 का कॉम्प्लीमेंट लिया 4, लिख लेता हूं मैं आपको बता देता हूं क्या किया मैंने, 6 का कॉम्प्लीमेंट लिया 4, उसको 0 में प्लस किया तो क्या आया मेरा 4। अब पहले आप कॉपी करें, इसको कॉपी करें अपनी नोटबुक में, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे और, ठीक है। तो पहले आप इसको अपनी नोटबुक में एक एक स्टेप क्लियर करें, बहुत आसान है, केवल आपको 2-3 स्टेप ही याद करने हैं, उसके बाद में सारे वो जो स्टेप है वो रिपीट होते हुए जाते हैं। तो आराम से करें, समझते हुए करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझे। वैदिक मैथ्स बहुत काम आती है, आगे तक काम आती है, कंपटीशन तक काम आती है। अगर आपको वैदिक मैथ्स आती है तो आप इसके आंसर को विद इन सेकेंड में कर सकते हैं बिना किसी गलती के, इसमें गलती भी नहीं होगी। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप इसको रॉन्ग भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही करोगे और फटाफट करोगे आप। चलो अब आपने सारे स्टेप कर लिए होंगे, अब मैं इरेज कर रहा हूं। हमने यहां तक कर लिया था, अब देखो अब हम क्या करेंगे, पुट 6 था अपना, पुट 1 कहना मार्क, पुट 1 कहना मार्क ऑन जब 8 पे 1 लगा दिया तो 8 क्या बन गया 9। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा 7 स्टेप में, अगेन 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड अगेन 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अगेन 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, सो वी एड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 9 is 1, 2, 0, ठीक है। जब देखो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था 0 में, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट दिया क्या हुआ, मैं आगे 7th स्टेप में आपको बता रहा हूं, 9 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, उसको प्लस किया 0 में तो क्या आया 1 ही आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां कुछ भी नहीं है, देखना यहां एकाधिकन पूर्ण के लगाते हैं, इसका पूर्ण कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो वहां क्या लगूंगा, पुट एकाधिकन मार्क ऑन 0, पुट एकाधिकन मार्क ऑन 0, 0 क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 बन जाएगा, तो 1 में से 1 गया, 1 माइनस 1 0, तो यहां आएगा 0, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, अब पहले आप इसको कॉपी कर ले,
पूरे स्टेप्स को, ठीक है। वहां डिजिट कुछ नहीं था पूर्वेना, जब उसके पूर्वेना डिजिट कुछ नहीं होता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। जिसके भी पीछे कुछ नहीं डिजिट होता है, हम तो एकाधिक है ना पूर्वेना पढ़ रहे हैं, और एकाधिक है ना पूर्वेना किसका, एट का एकाधिक है ना पूर्वेना, तो इसका पूर्वेना कोई नहीं है तो जीरो है। जीरो का एकाधिक ऐड करेंगे तो जीरो क्या बन जाएगा, वन, वन में से बन गया जीरो। तो ये है, आप कॉपी करें, आपको समझ में आया होगा। तो ये वैदिक मैथ्स है, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में कौन सा करना है, नाइन्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है। नाइन्थ है आपका, 9000 में से 3896, ठीक है। ये आपका एच डब्ल्यू है, तो देखो 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, सो वी हैव कॉम्प्लीमेंट डिजिट ऑफ 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। पुट एकाधिक है यहाँ 10 में नहीं हो सकता, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 0 ही, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ एकाधिक है तो 9 में से और नहीं जाएगा, 9 का लेंगे 1, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर एकाधिक एन कर लेंगे, इसका 3 का एकाधिक एन होगा 4, 9 में 4 गया 5। कितना आसानी से मैंने इसको सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।